आज श्री अखंड सेवा समिति ब्रह्मनगर के तत्वधान में श्री लंबोदर महोत्सव ब्रह्मनगर अखंड सेवा समिति द्वारा विगत 9 वर्षों से गजानन की स्थापना हो रही है। इस बार 19 सितंबर को गजानन महाराज का स्थापना के मौके पर पूरे विधि विधान से पंडित योगेश अवस्थी जी ने पूजन किया, जिसमें शहर के जाने माने उद्योगपति वरिष्ठ समाज सेवी श्री मुरारी लाल अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए, जिनका स्वागत श्री अखंड सेवा समिति के पदाधिकारियों ने किया। बाबूजी को पोर्ट्रेट फ्रेम देकर व उनको माला पहनाकर स्वागत किया गया। बाबूजी ने गजानन की महाआरती पर आरती की और उनका आशीर्वाद लिया। हज़ारों की संख्या में लोग गजानन की महाआरती में शामिल हुए, जिसमें महिलाओं ने लंबोदर महाराज की आरती पूजन में हिस्सा लिया। गजानन की आरती के बाद भजन में सभी भक्त झूम उठे, आतिशबाजी हुई। वहीं श्री मुरारीलाल अग्रवाल जी भी सभी के साथ झूमते नजर आए। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से पदाधिकारी धीरू शुक्ला, मोहित गांधी, नीरज सूरी, नवनीत मिश्रा, प्रशांत गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए एक खास रिपोर्ट कानपुर से। गणेश भगवान की जय। अरे जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी मैया जय स्वदिन ध्यावत, मैया जी को स्वदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय, अंग सिंदूर विराटी को मृग मद को कोटिक चंद्र दिवाकर राज तो का मंडल बाबू जी हमारे कृष्ण भगवान पर अर्पित करेंगे, आके भगवान गणेश जी का भजन करेंगे, उसकी चढ़ाएं। साल से गणेश जी की पूजा होती है, गणेश चारों दिशाओं में उनकी लाइटें लगी हुई है, इतना सुंदर भव्य भगवान करते हैं। ये वास्तव में जिन लोगों के द्वारा ये काम किया गया है वो बधाई के पात्र है। आप समझिए भगवान की ऐसी लीला है, जो भगवान का भक्त है वो भगवान की सच्चे मन से पूजा करता है, वो कभी दुनिया में कभी भी कहीं भी जाए दुखी नहीं हो सकता। भगवान मदद हमेशा करते हैं और आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज मैं आपको बोलता हूँ कि गणेश जी के इस महोत्सव में जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं सभी पूरी साल सभी से छुपी रहे। नवा लंबोदर महोत्सव हो रहा है, ये पूरे यहाँ के सेवा समिति के हमारे सारे सदस्यों ने मिलकर के आज से 9 साल पहले प्रण लिया था कि ब्रह्मनगर चौराहे पर जगह जगह भगवान गणेश का, गणेश के बाबा के महीने पे गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी विराजमान होते हैं और ब्रह्मनगर जहाँ से ये चौराहा नहीं 6 राह है और 6 राह पे भगवान गणेश को विराजना है। और मेरा जैसे देख करके कहीं पर कहा जाता है दक्षिण के राजा हैं, कहीं कहा जाता है नवाबगंज के राजा हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि भगवान लंबोदर महोत्सव कानपुर के राजा हैं और ये महोत्सव कानपुर में जितनी धूमधाम से अब की बार मनाया जा रहा है ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है।
इतने धूमधाम से कोई महोत्सव भगवान के सब जगह विराजमान है। बहुत सुंदर ढंग से गली गली में कानपुर महानगर में हर गली हर चौराहे पे भगवान का विराजमान है, मगर कितने सुंदर ढंग से यहाँ पर सजावट करी गई। मैं अखंड सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनके सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इतना सुंदर भव्य आयोजन यहाँ पे भगवान श्री गणेश को विराजा है। और पूरे क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि आकर के इस गणेश महोत्सव में आरती के समय आए और अपना प्रसाद ग्रहण करें और भव्य आयोजन का आनंद लें।